हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आपकी मेहमान। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। यह बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसके बारे में महिला यूजुअली जानना चाहती है कि बेसिकली होती क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जिसको हम फैमिली प्लानिंग पिल्स भी कहते हैं, सो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में बहुत सारी मिथ्स भी हैं। यूजुअली महिलाओं को लगता है कि ये बहुत नुकसान करती है, कुछ महिलाओं को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये किस तरह से ली जाती है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये यूजुअली कई प्रकार की अवेलेबल होती है मार्केट में, पर यूजुअली जो आजकल अवेलेबल है या ज़्यादा कॉमनली यूज की जाती हैं वो या तो 21 के पैकिंग में अवेलेबल होती है या 28 चक्कर के पैकिंग में अवेलेबल होती है। जो 21 गोलियों का जो पैकेज होता है उसमें सभी गोलियाँ एक जैसी होती हैं, उस पर मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे लिखा होता है। वह इसलिए लिखा होता है कि आप भूले नहीं, डे के हिसाब से आपको याद रहे, पर उनका सबका जो कंपोजिशन है यानी उनके अंदर जो दवाई डली हुई है वह एक जैसी होती है, यूजुअली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। जो 28 टैबलेट्स का पैकिंग आता है उसमें यूजुअली 21 दिन की जो गोलियाँ होती हैं वो एक्टिव गोलियाँ होती हैं, यानी कि उनके अंदर हार्मोन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और बची हुई जो 7 गोलियाँ होती हैं वह प्लेसिबो होती हैं, यानी कि उसमें हार्मोन नहीं होता, वो यूजुअली आयरन की गोलियाँ होती हैं। ठीक है, सो किस तरह से ज़्यादा कॉमनली हम जो 21 वाला पैकेट होता है इसको यूज़ करते हैं, तो किस प्रकार से हम यूज़ करते हैं गोलियों को, इसे पीरियड के दूसरे अथवा तीसरे दिन से शुरू किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5वें दिन तक भी शुरू कर सकते हैं, पर एडवाइजेबल यही है कि आप इसे दूसरे अथवा तीसरे दिन से शुरू करें। इन्हें लगातार डेली रात को डिनर के बाद हम लोग कहते हैं कि लेना चाहिए। 21 दिन तक हम कहते हैं कि आप लगातार लीजिए, रोज़ रात को डिनर के बाद एक गोली लीजिए। जो टाइम है वह लगभग एक जैसा होना चाहिए, जैसे आप डिनर के बाद 9 बजे लेती हैं, तो अगले दिन भी आप उसी कोशिश कीजिए 8 और 10 के बीच में ही ले लीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि एक दिन आप रात को 9 बजे ले रही हैं, दूसरे दिन सुबह के 9 बजे ले रही हैं, तो इतना टाइम में जो डिफरेंस है वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन की गोली है जिसका एक एक्टिव टाइम होता है काम का, तो इसको एक पर्टिकुलर टाइम पर लेना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ईजी सा सिस्टम है, आप एक अलार्म लगा कर रख सकती हैं जिससे कि आपको रोज़ उस समय पे याद आ जाए। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इन गोलियों के साथ जो हमें सबसे ज़्यादा समस्या मिलती है वो यही है कि पेशेंट भूल जाते हैं कभी कभी, और जब ये भूल जाते हैं तो उससे फ़ायदे की जगह नुकसान अधिक होने लग जाते हैं, क्योंकि पूरा पीरियड साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके अंदर याद रखने वाला जो काम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको रोज़ रात को एक गोली खानी है। कभी कभी महिलाओं की ये भी शिकायत होती है कि किसी दिन वो भूल गई। अब भूल गई तो क्या करना है, अगर आप किसी दिन बाई चांस भूल जाती हैं तो अगले दिन आप 2 गोली ले लीजिए, लेकिन अगर आप इससे अधिक भूल गई है तो फिर ये आपको मदद नहीं कर पाएगी और फेल हो जाएगी, राइट। सो बेसिकली रोज रात को सोते समय आपको 21 दिन तक लगातार ये गोली लेनी है। 7 दिन का आपको ब्रेक देना है, यानी कि 7 दिन तक आपको कोई गोली नहीं लेनी। इस 7 दिन के अंदर यूजुअली जो पीरियड होता है वो आ जाता है, वह दूसरे या तीसरे दिन भी आ सकता है, और हो सकता है कि वो 5वें 6वें दिन आए, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, घबराइए नहीं। हो सकता है बहुत ही कम हो, स्पॉटिंग हो, अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी चिंता नहीं कीजिए। 7 दिन का ब्रेक देके आप 8वें दिन से वापस से शुरू कर दीजिए। 21 दिन लीजिए, 7 दिन बंद कीजिए, 21 दिन लीजिए, 7 दिन बंद कीजिए, फिर 21 दिन लीजिए, 7 दिन बंद कीजिए। ऐसा आप लगातार 6 महीने के लिए कीजिए। 6 महीने के बाद 1 महीने का ब्रेक देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बेसिकली यह तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने का। अब हम आते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान पे। नुकसान तो आप सभी लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे, आज तक आप लोगों ने इसके फ़ायदों के बारे में नहीं सुना होगा, तो आज मैं आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताऊँगी। क्या फ़ायदा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने का? सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कि आपका पीरियड रेगुलर रहता है। एक महिला की लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको एक सर्टेनिटी हो कि इस टाइम पे पीरियड आ जाएगा, जिससे कि उसके दूसरे कामों में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सो आपका जो पीरियड होता है वो बहुत रेगुलर हो जाता है, तो रेगुलरिटी ऑफ योर पीरियड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पीरियड रेगुलर हो जाता है, जो ब्लड लॉस होता है पीरियड के दौरान वह भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। बहुत सी महिलाओं में अत्यधिक ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पीरियड्स के दौरान बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं, तो वह पीरियड्स में जो ब्लड लॉस होता है वह कम हो जाता है, तो जो खून की कमी होने की संभावना होती है वह भी कम हो जाती है। फीमेल्स का इसी कारण जो एनर्जी लेवल होता है वह बढ़ जाता है। अनेजिक इम्पॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़,
क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप ले रही हैं, इसके कारण जो प्रीमेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हैं यानी कि पीरियड आने से पहले की कुछ समस्या, कुछ महिलाओं में सिम्टम्स होते हैं यानी कि वजन बढ़ने जैसा फीलिंग आने लग जाता है, ग्लो करना लगता है, शरीर भारी भारी लगता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, तो ये सब जो मूड चेंजेस होते हैं ये भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। बहुत सी महिलाओं में पीरियड के दौरान काफ़ी पेन होता है, तो वह जो होने वाला पेन है वह भी काफ़ी कम हो जाता है। बहुत बार आपने ये तो सुना होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स से मैडम कहीं का कैंसर बढ़ जाता है, हमने ऐसा सुना होगा, पर आज मैं आपको एक नई चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ जो शायद आप लोगों को ना पता हो कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के यूज़ के कारण 3 महत्वपूर्ण कैंसर प्रिवेंट किए जा सकते हैं, यानी कि उनका जो रिस्क होता है वह कम हो जाता है। वह ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये 3 प्रकार के कैंसर अगर आपने काफ़ी समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ किया है तो इनकी जो होने की संभावना है वह कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे इसके फायदे होते हैं, नुकसान डेफिनेटली नुकसान, फायदा है तो थोड़ा कहीं नुकसान भी होगा ही होगा, उसके बारे में तो वैसे आप लोगों को काफ़ी आइडिया होगा, पर फिर भी मैं ब्रीफ कर देती हूँ। जी घबराने का सेंसेशन, इस तरह का बहुत सी महिलाओं को ये कंप्लेंट होती है कि लेने के बाद कुछ भारी भारी लगता है, जी घबराता है, उल्टी जैसा लगता है, हेडेक होता है, ड्रेस में पेन की कंप्लेंट हो सकती है, बीपी जिन लोगों में बढ़ा हुआ है या बढ़ने की पॉसिबिलिटी है उन्हें बीपी बढ़ सकता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क होता है वह थोड़ा सा बढ़ जाता है। फायदों के अंदर मैं एक चीज़ कहना भूल गई थी, मैं वापस उसको भी बता देती हूँ कि कुछ महिलाओं में PCOD, PCOS या एंडोमेट्रियोसिस ऐसी समस्याएँ भी होती हैं क्योंकि हॉर्मोनल चेंजेस के कारण, तो उनके अंदर भी ये जो गोलियाँ हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वह काफ़ी यूजफुल होती हैं, उसके यूज़ के कारण, रेगुलर यूज़ के कारण उनके जो सिम्टम्स हैं इन बीमारियों के, PCOD, PCOS अथवा एंडोमेट्रियोसिस, वह सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। तो जो हमारे एडवांटेजेस की लिस्ट है वो थोड़ी और लंबी हो गई है, राइट। अब हम आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन पे। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ये गोली नहीं लेनी होती है, किन महिलाओं को ये गोली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो उसके अंदर हमारी लिस्ट के अंदर आता है सबसे पहली बात, अगर आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लीजिए। अगर आपकी उम्र 35 साल से अधिक है लेकिन आप स्मोकिंग करती हैं तो भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लीजिए। अगर आपके अंदर बीपी की हिस्ट्री है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी खून का धक्का जमने की हिस्ट्री है, स्ट्रोक की हिस्ट्री है, पहले कोई कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह रहा है, यूट्राइन कैंसर रहा है, तो भी हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अगर की हिस्ट्री है तो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ आप नहीं कीजिए। अगर आपको माइग्रेन है यानी कि सिग्निफिकेंट हेडेक, माइग्रेन विद ऑरा है, तब भी हम मना करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक्टिव लिवर डिजीज है, गॉल ब्लैडर डिजीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तब भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का प्रयोग करने के लिए मना करते हैं। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी हद तक आप लोगों को समझा पाई हूँ आज की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या दुष्परिणाम हैं और किन महिलाओं में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेरी हो, तो हम लोग आपके हमारे अस्पताल में अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। धन्यवाद।